गाइस मैं हूं मयंक और यार आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं आर्ट बाय वासिफ के एक ब्लॉग पे जो कि करीब 6-7 महीने पुरानी है बट अभी तक मैंने देखी नहीं है। इसका टाइटल है लाहौर टू दिल्ली। ओके, ये जनाब लाहौर से आ रहे हैं दिल्ली और इस दौरान उन्होंने अपने जर्नी को फिल्माया है और तो देखना तो बनता है कि एक पाकिस्तानी जब इंडिया में आता है तो क्या फील करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा लेना। तोनू खुदा दा वास्ता। तो चलिए देखते हैं इस ट्रैवल लॉग का है आवेगा। 31 मई 2018 सुबह के 9:30 बजे बस रवाना है इंडिया के लिए। हम जा रहे हैं इस वक्त इंडिया एक कन्वेंशन अटेंड करने जो कि है आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी टेक्नोलॉजी। 9 दिनों सबका सपना होता है उसमें पढ़ने का। 3 जून से 9 जून तक, जिसके बाद हम विजिट करेंगे 4 और शहरों का जिनमें इंक्लूड है आगरा, शिमला, कलकत्ता, दिल्ली और 5वां ये खड़गपुर। तो अब वहाँ यह है कि हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से जा रहे हैं ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स, जिसमें 56 लोग जा रहे हैं एक्चुअली, जिसमें 2 फैकल्टी के मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। और 19 जून को इंशाल्लाह हमारी वापसी है और मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं इस पूरी जर्नी को एक खूबसूरत अंदाज में आप लोगों को दिखा सकूं। और ये हैं जी खौफज़दा वालदैन। भाई जाहिर सी बात है 20 दिनों के लिए अपने बच्चे को भेजना कोई आसान बात थोड़ी ना, वो भी इंडिया। वो बंदा इरफान जी ने ऐसा नहीं लगता है क्या? बस ओके, आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे भी बिजली नहीं। वागा बॉर्डर। पहुंचकर हमारे बैग्स को एक शेरू ने सूंघा, जिनको सूंघने के बाद शेरू साहब का नाक खराब हो गया। वाह, शेरू का नाक खराब हो गया। पंजाबी म्यूजिक यार, इधर का पंजाब उधर का पंजाब ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके? सही में क्या घूमे। तो बॉर्डर क्रॉस हमने कर लिए और अब दिल्ली जा रहे हैं हम बाय बस। वहाँ से फिर आके खड़गपुर जाएंगे हम 22 घंटे की ट्रेन पे और आगे अपडेट आप राजधानी ले ली हो भाई। ड्राइवर बैटर है उसका भी सिनेमैटिक शॉट, नॉट बैड। चल अंदर पहुंचे हम और मौसम बहुत अच्छा हुआ, मतलब एक से कहते हैं ना कि बेहतरीन मौसम हुआ है। तपती धूप थी जब हम निकले थे अमृतसर से और इस वक्त जलंधर में इतना बेहतरीन मौसम हुआ है कि दिखने में तो ये होटल आपको शायद काफ़ी अच्छा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें पाकिस्तानी खानों की याद आ गई। हाँ यार, बस फूड थोड़ा अलग है। खाने के बाद हम वापस रवाना हुए न्यू दिल्ली की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के होटल टूरिस्ट में। तो अब सीन ये है, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब दिल्ली में ये सीन है कि हम पहुंचे हैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करके 12 या 13 घंटे की ड्राइव के बाद न्यू दिल्ली में होटल टूरिस्ट के अंदर।
रास्ते में जलंधर से मैंने खाना खाया, मैंने आपको पहले बताया मैं कितना शदीद किस्म का माशाल्लाह डिसअपॉइंट हुआ था कि खाना मेरे सामने पड़ा हुआ था लेकिन क्या थी भाई। अब मैं जब पहुंचा गया दिल्ली में तो मुझे थोड़ा खाना खा के उम्मीद हुई है, लेकिन आगे आने वाले 7 दिनों में जो कन्वेंशन है IIT खड़गपुर में उसके मुताबिक जो रूटीन है तो उसमें जो हमें खाना मिलना है होलिस्टिक डिनर या होलिस्टिक लंच, तो वो मैंने सुना है कि इस तरह का होगा कि उबले हुए चावल या मिर्चों वाले चावल और साथ दाल, लेकिन वो ये है कि 6 दिनों का है कन्वेंशन तो आप रेस्टोरेंट जा अच्छा सकते हो वहाँ पे आपके अब ये है कि काम मिल जाएगा। बज रहे हैं 4, ठीक है, और हमें बुलाया गया सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए, नाश्ते के लिए, नाश्ते के बाद है मीटिंग, मीटिंग के बाद हमें निकलना है खड़गपुर राजधानी एक्सप्रेस से जो कि 22 से मैंने बोला था राजधानी लेना ट्रेन से, राजधानी लग्जरी है यार इस्लामाबाद से अगर आप कराची जाएं ट्रेन पे तो एक ही वो लग्जरी ट्रेन है जो खड़गपुर तक जाती है। तो अब यह है कि शानदार अभी हम करेंगे डाटा कॉपी आज के दिन का, ध्यान से जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ना कॉल करते रहना और डाइट का ख्याल रखना, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है सुन रहे हो ना, और ग्रुप के साथ निकलना, मेरा बच्चा अकेले नहीं निकलना, पासपोर्ट का ध्यान रखना, कॉल करता नहीं ऐसे ही। ओके आर्ट भाई वॉशिंग, पासपोर्ट का ध्यान रखना, ग्रुप से अलग मत होना, टाइम मिले तो कॉल करते रहना, ये होता है आपके फैमिली वालों का हाल जब आप एक सो कॉल्ड इनेमी कंट्री में जाते हो, इनेमी है नहीं सो कॉल्ड इनेमी, और पासपोर्ट का ध्यान रखना वाकई बहुत ज़रूरी है ऐसे कंट्रीज में जिसके रिश्ते आपके अपने कंट्री से ठीक ना हो। हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट आया, एक इंडियन बंदा गया था अफगानिस्तान के बॉर्डर से शायद पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था फॉलो कर लेना, कुछ सेम सिचुएशन थी, पासपोर्ट शायद गुम गया था या फिर उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, तो करीब 6 साल बाद वापस इंडिया आया है। तो यार पासपोर्ट का ख्याल रखना चाहिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो और ख़ासकर सो कॉल्ड इनेमी कंट्री। बात करें इस वीडियो की तो यार ये अब बस इंट्रोडक्शन वीडियो है, कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला, बस इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, कैसे शेरू ने पता लगाया कि कुछ है नहीं है, फिर बस ड्राइवर का सिनेमैटिक शॉट वगैरह, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा खास दिखाने के लिए इस वीडियो में नहीं था इनके पास, बट वो बॉर्डर जो क्रॉस कर रहे थे उसके अलावा, लेकिन और भी सारे बहुत सारे एपिसोड इन्होंने बनाए हुए हैं इस टूर को लेके जो इंडिया में आए थे, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा उस पर रिएक्शन देने का, उसमें बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। बात करें खाने की तो यार हाँ खाना और रिलीजन बस दो चीज़ जो है वो डिफरेंट है इंडिया और पाकिस्तान का, चाहे इस पंजाब का उस पंजाब का, आपको रिलीजन और फूड ये थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम ही है वासिफ भाई। उबला हुआ चावल नहीं खाते, पता नहीं है आपको कैसे मेनू में दे दिया गया, अगर हाँ आप पाकिस्तानी फूड ऑर्डर करना चाहते हो, चिकन मटन खाना चाहते हो, फिश एक कड़ी खाना चाहते हो, तो आप जा सकते थे नियरेस्ट रेस्टोरेंट में, मेरे ख्याल से कोई मना शायद ही करता। खैर वासिफ जो इस इंडिया टूर पे आए थे, जितने भी ब्लॉग्स बनाए हैं इन्होंने इस टूर पे, उस सारे पे मैं रिएक्शन दूंगा, तो लगे हाँ सब्सक्राइब कर लें। तो बस यार आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता, लाइक करना ना भूलें, एम करते कम से कम 1000 लाइक्स की, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, तोनू खुदा दा वास्ता, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर ले, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।